नमस्ते विद्यार्थियों, हमने हमारे पिछले वीडियो में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की जो प्रोसेस है वो हमने दो वीडियो में चर्चा की थी। पहले वीडियो में हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन में, और उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अर्ध संरक्षी जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एक्चुअल जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि कि किस प्रकार से हमारा जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए पे संपन्न होता है, उस मैकेनिज्म को हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक सीधे ही पहुंच जाए। आप बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन, जैसा कि हमने बताया था रेप्लिकेशन जो है वह डीएनए के द्वारा होने वाला वह प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब भी रेप्लिकेशन से एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो अर्ध संरक्षी विधि से रेप्लिकेशन होता है, यानी बनने वाला आधा अणु जो है एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है जिसमें रेप्लिकेशन होता है। आज हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो हमने हमारी मैकेनिज्म को तीन मेथड में डिवाइड किया है। सबसे पहले इनिशिएशन, आरंभन होता है, फिर इलोंगेशन, चैन का इलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण होता है, और उसके बाद समापन टर्मिनेशन होता है। इन तीन मेथड में हम हमारी जो क्रियाविधि है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इनिशिएशन है यानी आरंभन है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो रेप्लिकेशन है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, पार्टिकुलर एक फिक्स है उस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, और उस पॉइंट को हमेशा हम कहते हैं उत्पत्ति या ओरिजिन कहा जाता है, और ये फिक्स होता है। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में काउंट्स करें, हम न्यूक्लियोटाइड्स काउंट्स करें तो काउंट्स को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 की अगर काउंट करें तो वो मिनट्स में काउंट होते हैं। रेप्लिकेशन जो न्यूक्लियोटाइड्स है अगर हम डीएनए में काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 तो उसको हम जो यूनिट देते हैं वो यूनिट है मिनट्स। तो अगर हम ई कोलाई की बात करें तो हमारा जो उत्पत्ति स्थल है वह 74 मिनट होता है, 74 मिनट पे उत्पत्ति स्थल होता है। तो रेप्लिकेशन जो है वह ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी रेप्लिकेशन होगा तो हमारा जो स्पायरली कोइल्ड मॉलिक्यूल है उसमें अनवाइंडिंग या अनकोइलिंग होती है, यानी वो उसके कुंडलन खुलते हैं। ये कुंडलन जब भी खुलेंगे तो ये इस अणु पे एक दबाव प्रेशर को इम्पोज करते हैं। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसमें निक फॉर्मेशन होता है, निक फॉर्मेशन, इंसिशन बोलते हैं हम उसको, निक फॉर्मेशन होता है, और ये निक फॉर्मेशन जो होता है वह टोपो आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा होता है। यह टोपो आइसोमेरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का होता है परंतु यूकैरियोट्स में दो प्रकार का होता है। प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का होता है और उसे हम गायरेज कहते हैं, गायरेज। टोपो आइसोमेरेज को क्या कहा जाता है, गायरेज। ये निक फॉर्मेशन करता है, प्रेशर को रिलीज करता है, अनकोइलिंग भी करता है और रिलीज भी करता है। यूकैरियोट्स में दो प्रकार के टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो केवल एक स्ट्रैंड में निक फॉर्मेशन कर सकता है, परंतु जो सेकेंड है वो दोनों स्ट्रैंड में निक फॉर्मेशन कर सकता है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और निक फॉर्मेशन होता है, निक फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड जो है वो अनकोइलिंग होते हैं और सेपरेट होते हैं जिप की तरह। जैसे अगर हम, मैं यहां बात करूं, हम चैन को खोले तो ये चैन खुलती जाएगी और दोनों चैन को ओपन होते जाएंगे, तो हमारी जो जिप की तरह दोनों स्ट्रैंड हेलिकेज एंजाइम के द्वारा ये जिप, दोनों जो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यूं काटते हुए जिप की तरह खोलते हुए और यूं दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते चले जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अनकोइलिंग होते जाएंगे और सेपरेशन होता जाएगा। जैसे ही सेपरेशन होगा तो नए जब तक न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ये वापस आके जुड़ जाएंगे। इस जुड़ने से रोकने के लिए
सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन एक स्टैंड के साथ आके जुड़ जाएगी और दोबारा इसको जुड़ने से रोकेगी, दोबारा इसको जुड़ने से रोकेगी। तो ये सेपरेशन हो गया। अब हमने पीछे के वीडियो में चर्चा की थी कि जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। आरएनए प्राइमर एक आरएनए का छोटा टुकड़ा होता है जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है। तो वेरी फर्स्ट हमें उस प्राइमर की आवश्यकता होती है। यह प्राइमर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अथवा प्राइमेज एंजाइम की सहायता से यह आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है। और कहां पे? जहां पर ओरिजिन है उसके जस्ट नियर बाय वहां पर सिंथेसाइज होता है। और इसके बाद प्राइमर बन गया और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही प्राइमर बन गया और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो हमारी चेन जो है उसका दीर्घीकरण होता है, इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर बना दिया। आरएनए प्राइमर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्यों जरूरी होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो सीधा ही न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ पाता, उसे थ्री एंड पे और ओएच ग्रुप चाहिए होता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब इलोंगेशन की प्रोसेस करता है, इलोंगेशन की प्रोसेस करता है और हमेशा 5-2-3 डायरेक्शन में ही जोड़ता है, 5-2-3 डायरेक्शन में ही नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज 5-2-3, 5-2-3 डायरेक्शन होती है। जब पूरा इलोंगेशन हो जाता है तो जो आरएनए प्राइमर बना था उस आरएनए प्राइमर को अब यहां से हटाया जाएगा, आरएनए प्राइमर को वहां से हटाया जाएगा। और ये हटाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जिसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है, जिसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। तो इस आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है, वहां से नष्ट कर दिया जाता है और जो गैप बनता है, जितने न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर था उतना बड़ा गैप बनेगा, उस गैप को भरने का काम भी इस पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमारा जो डीएनए गैप बना, तो डीएनए का स्ट्रैंड जो यहाँ पे ये गैप बना, मान लो ये गैप बना, तो ये स्ट्रैंड यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, इस स्ट्रैंड को जोड़ने का काम जो लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा यहां पर किया जाता है। ये चेन को इलोंगेशन कर दिया। जब दोनों स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होता है, डायरेक्शन मैंने कहा कि 5-3 होता है, तो एक में इधर से बनेगा और एक में इधर से बनेगा, तो एक स्ट्रैंड पे हमेशा कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। और एक स्ट्रैंड पे टुकड़ों में, खंड में सिंथेसिस होता है और उन टुकड़ों को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आगे मैं भी चर्चा करूंगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो टुकड़ों में सिंथेसिस होता है, जिसमें कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, और जिसमें टुकड़ों में डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से सिंथेसिस होता है। और जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो हमारी चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर ओरिजिन एक ही है तो एक साइड में जाके पूरा टर्मिनेशन हो जाता है, और ओरिजिन अलग अलग है, अलग अलग ओरिजिन है, एक साथ कई जगह सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है, तो वो जब बढ़ती हुई आपस में मिलती है तो टर्मिनेशन हो जाता है। कोई विशेष मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं बताई गई है कि विशेष मैकेनिज्म की सहायता से ही टर्मिनेशन होता है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखें। आप यहाँ पे देखिए, रेड कलर से हमने शो किया हुआ है ओरिजिन, ओरिजिन हुआ है, वहां पर रेप्लिकेशन फोर्क बनती है और डीएनए स्ट्रैंड दोनों सेपरेट होने लग गए। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद ये ग्रीन कलर में हमने आरएनए प्राइमर बना दिया, आरएनए प्राइमर बना दिया और सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। डायरेक्शन आप यहां देखिए 5-2-3, 5-2-3, और इधर भी 5-2-3 डायरेक्शन में। एक स्टैंड यहां पे दो स्टैंड बन रहे, एक लीडिंग, दो लीडिंग, दो लैगिंग स्टैंड बन रहे। जहां पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है वह लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और जहां पे टुकड़ों में, आप यहां देखिए टुकड़ों में हो रहा है,
वह लैगिंग स्टैंड होता है, और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी तो हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब कुछ इसमें टर्म्स आए हैं, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क जहां से ओरिजिन होता है और ओरिजिन होके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, वह रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। तो आप यहाँ पे इस ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन ओरिजिन कहां पर है, इस जगह पर है ओरिजिन। ओरिजिन इस जगह होगा तो मूवमेंट एक दिशा में ही होगा, मूवमेंट क्या है, एक दिशा में ही हो रहा है फॉर्क का मूवमेंट, इसलिए इसको कहा जाता है एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, इसको कहा जाता है एक दिशीय रेप्लिकेशन। और अगर इस डायग्राम में आप देखिए, जो ओरिजिन है वो बीच में है, डीएनए स्ट्रैंड के बीच में है, तो जैसे ही ये स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी, रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी इस तरीके से। तो यहां पर रेप्लिकेशन फोर्क बन रही है वो वाई शेप, अल्फाबेट वाई शेप है, और यहां पे जो रेप्लिकेशन फोर्क बन रही है वो बबल शेप या आई शेप, आई शेप या बबल शेप बन रही है। इसमें जो रेप्लिकेशन है वो दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली होता है, इधर भी मूव करेगा इधर भी मूव करेगा। आप इस डायग्राम में देखिए, ये रेप्लिकेशन फोर्क ओरिजिन यहां था, तो इस डायरेक्शन में जब होगा तो यहां पे ये 5-3 डायरेक्शन इसको लगातार ओपन मिलता चला जाएगा, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। इधर यहां पे इसको टुकड़ों में ओपन होता जाएगा और 5-3 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। इसमें आप यहां पे इसके पीछे की ओर ये इधर भी जाएगी, फोर्क मूवमेंट आप यहां देख सकते हैं, फोर्क मूवमेंट और यहां फोर्क मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है। तो यहां अगर ये बढ़ेगा इस डायरेक्शन में 5-3 में, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और इसमें उल्टा होता है तो ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो यहां पर दोनों तरफ पैरेलल रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल। और यहां पे केवल एक ही दिशा में रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट हो रही है, तो इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो यानी ओरिजिन के बिहाफ पर आवर रेप्लिकेशन आइदर यूनिडायरेक्शनल और इट मे बी बाई डायरेक्शनल, एक दिशीय और द्विदिशीय दोनों दिशा में रेप्लिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की उत्पत्ति स्थल के आधार पर एक दिशीय अथवा द्विदिशीय हो सकता है। हमने बात करी ओकाजा की फ्रेगमेंट्स, अब ओकाजा की फ्रेगमेंट्स बनते क्यों हैं और ये ओकाजाकी का मतलब क्या होता है। तो ओकाजाकी जो है ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था, इन खंडों के बारे में, तो इनके बिहाफ पर ही हमने इनका नाम रख दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी हो गया। अब ये बनते क्यों हैं, बनते हैं हमारे रेप्लिकेशन के डायरेक्शन के कारण। रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन जैसा कि मैंने बताया था ऑलवेज 5-3 होता है, 5-3 की ओर, 5-3 डायरेक्शन होता है। अब यहां पर ओरिजिन था, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एक 5-3 है और एक 3-5 में, यानी अब सबसे पहले यहां पे प्राइमर बना, आप ग्रीन में यहां पे देख सकते हैं कि एक प्राइमर बना हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, और अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो यहां आएगा, और चूंकि हमें पता है इसका डायरेक्शन 5-3 है, तो 5-3 में ये लगातार ओपन होता चला जाएगा और नया बनता चला जाएगा। इसके उल्टे जब ये इतना खुला तो यहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ा, चूंकि इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, इधर की ओर है, डायरेक्शन उल्टा है, तो यहां इसने सिंथेसिस कर दिया, तो ये एक टुकड़ा बन गया। अब यहां पर और खुल गया स्टैंड, तो इसको इतना खुला हुआ मिला, तो इसने वापस यहां पे आरएनए प्राइमर जोड़ा और आरएनए प्राइमर जोड़ के फिर सिंथेसिस किया। ऐसे ही लगातार ये स्टैंड खुलता जाएगा, जितना खुलेगा उतना ये सिंथेसिस, क्योंकि सिंथेसिस साइमल्टेनियसली होता है, पूरे स्टैंड को ओपन करने का इंतजार नहीं किया जाता, साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हमारा सिंथेसिस स्टैंड ओपन होता जाएगा सिंथेसिस होता जाएगा। इस कारण से ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं ड्यू टू
डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, हमें पता है हमारे रेप्लिकेशन का डायरेक्शन 5-2-3 होगा, इस कारण से ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। जहां पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पे टुकड़ों में हो रहा है उसको हम कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये फोर्क प्रोग्रेशन है, फोर्क इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जब एक पे पूरा कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है और एक पे टुकड़ों में हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अर्ध असतत, सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, अर्ध असतत प्रतिकृतिकरण, सेमी डिसकंटिन्यूस। इस पे कंटिन्यूस है, उस पे डिसकंटिन्यूस है, सतत है और असतत है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है सेमी डिसकंटिन्यूस अर्ध असतत रेप्लिकेशन। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जो हम पूरी प्रोसेस अभी तक हमने मैकेनिज्म जो स्टडी की है, पूरे रिक्वायरमेंट स्टडी किए हैं, इस डायग्राम में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमारे टोपो आइसोमरेज एंजाइम इसको अनकोइल करता है और उस प्रेशर को रिलीज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उस प्रेशर को रिलीज करता है ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम निक फॉर्मेशन से, इंसिशन से। तो इसने अनकोइलिंग कर दी और निक फॉर्मेशन कर दिया तो प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज होने के बाद ये हेलिकेज एंजाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलिकेज एंजाइम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता हुआ चला जाएगा, जिप की तरह इनको खोलता चला जाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब जब दोनों स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड है तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगी और आकर इनसे जुड़ जाएगी, ताकि ये वापस जैसे ही ओपन हुए वापस नहीं जुड़ जाए। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहां पे 5-2-3 डायरेक्शन में देख सकते हैं आरएनए प्राइमर बना और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कर दिया, तो इसलिए इसको हमने कहा लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कर दिया। यहां पे पहले इतना खुला मिला तो ये आरएनए प्राइमर बना और ये एक टुकड़ा बन गया, फिर यहां पर वापस इतना खुला मिला, आरएनए प्राइमर बना, फिर पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा इतना टुकड़ा बन गया। ये बनने वाले फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कहा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जिस स्ट्रैंड पे टुकड़ों में हो रहा है उसको हम कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो आधा कंटीन्यूअस आधा डिसकंटीन्यूअस, इस मैकेनिज्म को कहते हैं सेमी डिसकंटीन्यूअस रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार से ये सिंथेसिस हो जाएगा और उसके बाद ये आरएनए प्राइमर जो है, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या कोनबर्ग एंजाइम के द्वारा ये यहां से आरएनए प्राइमर हट जाएंगे और इस गैप को फिल वापस पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा कर दिया जाएगा और जो स्टैंड है उसको जोड़ने का काम ये लाइगेज एंजाइम कर देता है। तो ये हमारी जो कंप्लीट मैकेनिज्म है। अब यहां पे आप ये भी देख सकते हैं, हमने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बताया था, तो ये पुराना बनने वाला पुराना है और नया नया बन रहा है, यहां पे पुराना पुराना है और नया नया बन रहा है, यानी अर्ध संरक्षी मेथड से भी रेप्लिकेशन होता है। तो ये हमारी जो रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस है, हमने तीन छोटे छोटे वीडियो में चर्चा की है, पहले रिक्वायरमेंट्स और स्टेप्स, फिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और फिर मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। तो विद्यार्थियों आप इन तीनों वीडियो को एक साथ देखिएगा, आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।